हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित है और आपका ManageTrading.com के इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। लेते हैं आज का सवाल जो हमें भेजा है अशोक जी ने, और वो पूछते हैं, हाय अमित, मैं आपके चैनल का बहुत बड़ा फैन हूँ। मैंने आपकी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस देख ली है। ब्रेकआउट वाले वीडियोस में आपने फॉल्स ब्रेकआउट का जिक्र किया था। प्लीज एक वीडियो बनाकर ये टॉपिक को भी समझाइए। मुझे आपके वीडियो का इंतजार रहेगा। थैंक्स इन एडवांस। हाय अशोक जी, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल क्वेश्चन। चलो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे कि फॉल्स ब्रेकआउट आखिर होता क्या है और हम उसे कैसे ट्रेड कर सकते हैं, और उसके बाद एज यूजुअल हम अपने ट्रेड की एनालिसिस को भी देखेंगे। ठीक है दोस्तों, मार्केट में कई सारे ट्रेडर्स ऐसे होते हैं ना जो फॉल्स ब्रेकआउट को एक बहुत ही खराब चीज मानते हैं। अगर आप मार्केट में रेगुलर ट्रेडिंग करते हो तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि हम ब्रेकआउट के चक्कर में कई बार बाय तो कर लेते हैं, पर प्राइस थोड़ा ऊपर जाने के बाद सीधा नीचे टर्न हो जाती है। ऐसा लगता है कि हमने सबसे हाईएस्ट प्राइस पर बाय कर लिया हो। ऐसी फीलिंग आती है कि बस हम ही हैं जिसने प्राइस को सबसे ऊपर वाले लेवल पर बाय किया हो। अगर आप मार्केट में नए हो या तो आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ये सिनेरियो तो आपने भी कई बार देखा होगा। लेकिन अगर हम फॉल्स ब्रेकआउट को थोड़े दूसरे एंगल से देखें तो अंडर सर्टन मार्केट कंडीशन ये हमारे लिए ब्यूटीफुल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सकते हैं, पर इसके लिए हमें हमारी सोच को थोड़ा बदलना होगा। जैसे जैसे हम मार्केट के कंडीशंस को अच्छे से जज करना सीख जाते हैं दोस्तों, हम ब्रेकआउट बाय करने से अच्छा हम थोड़ा वेट करके फॉल्स ब्रेकआउट को ट्रेड कर सकते हैं। चलो आज के इस वीडियो में हम देखते हैं कुछ ऐसे स्पेशल मार्केट कंडीशन जहां हम ये आसानी से कर पाएंगे। सबसे पहले देखते हैं फ्लैट पैटर्न को। अभी मान लो प्राइस ने एक जबरदस्त शार्प डाउन मूव ली है और अभी प्राइस एक टाइट रेंज में फंस चुकी है। अगर हमें प्राइस की जानकारी नहीं है तो शायद हो सकता है कि हमें लगे कि प्राइस का नीचे गिरना अभी थम चुका है, और हो सकता है प्राइस यहीं से ऊपर के साइड रिवर्स ले ले। इनफैक्ट बहुत बार होता भी ऐसा ही है। ठीक यहां से प्राइस ऊपर के साइड ब्रेकआउट देती है और जाने अनजाने में कई सारे लोग एग्जैक्टली यहीं पे बाय करके फंस जाते हैं। प्राइस थोड़ा ऊपर तो बिल्कुल जाती है, पर उसके बाद प्राइस डायरेक्टली नीचे के साइड शार्प डाउन मूव ले लेती है। दोस्तों ये एग्जैक्टली वही परफेक्ट कंडीशन होती है जहां पर बाय करने की बजाय हमें थोड़ा रुक के प्राइस में रिवर्स लाने की राह देखनी होती है। दोस्तों हमें ये पहले से ही पता है कि यहां पर मेजर ट्रेंड नीचे की साइड है, तो नेचुरली हमें बाइंग करने में यहां पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। प्राइस की मेजर डायरेक्शन जो भी होगी हमें उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है जो यहां पर क्लियरली नीचे के साइड है। तो इस सिनेरियो में अगर मुझे ट्रेड लेना है तो मेरे पास दो विकल्प होंगे, मतलब दो ऑप्शंस होंगे। एक तो मैं एग्रेसिवली बिल्कुल यहां पर अपनी शॉर्ट एंट्री ले सकता हूं, या तो मैं थोड़ा कंजर्वेटिव होके प्राइस को इस लेवल को तोड़ने की राह देखूंगा, और जब भी प्राइस इस लेवल को तोड़ देगी मेरी शॉर्ट एंट्री ट्रिगर हो जाएगी। एग्रेसिव एंट्री के टाइम मेरा स्टॉप लॉस होगा बिल्कुल यहाँ पर, और कंजर्वेटिव एंट्री के लिए मेरा स्टॉप लॉस एक तो यहाँ हो सकता है या तो मैं इस रेंज के आधे लेवल पर अपना स्टॉप लॉस रख सकता हूँ जो कंपैरेटिवली अग्रेसिव होगा। दोस्तों अगर आप मेरे इस चैनल को फॉलो कर रहे हो तो ये बात तो आप जानते ही होंगे कि बस दो मिनट में हम स्टॉक में चलते ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पर अगर आप यहाँ पर बिल्कुल नए हो तो इसी टॉपिक पर मैंने ऑलरेडी एक जो वीडियो बना दी है, मैं चाहूंगा कि आप वो जरूर देख लेना, आपके बहुत काम आएगी। तो दोस्तों इंट्राडे में फ्लैग पैटर्न जैसे ही और एक अक्सर पाए जाने वाला पैटर्न है जो है ट्रेंड लाइन ब्रेक। दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग है, थोड़ा ध्यान से सुनना। अभी मान लो कि चार्ट पर प्राइस दो पैरेलल लाइन के बीच में ट्रेड कर रही है। मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रेडर्स वहां पे अपना ट्रेड ले लेते हैं जहां प्राइस इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देती है। अगर हम ऊपर ऊपर से इस चीज को देख रहे हैं ना दोस्तों, तो फिर ये काफी सही भी लगता है। पर मेरे ख्याल से एज अ स्मार्ट ट्रेडर
बस यही हमारा ट्रेड लेने का रीजन नहीं होना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि चार्ट के लेफ्ट साइड पर प्राइस एक्शन हमें क्या इंडिकेट कर रही है। मतलब अगर मान लो पैरेलल ट्रेंड लाइन के बीच में आने से पहले अगर प्राइस अप ट्रेंड में ही है तो मुझे बाय करने के लिए बहुत खुशी होगी। अफकोर्स हम यहाँ पे ये अज्यूम कर रहे हैं कि हमारी बाकी कंडीशंस भी हमें ग्रीन सिग्नल दे रही हैं। लेकिन ट्रेंड लाइन के इस पैरेलल स्ट्रक्चर के बीच में आने से पहले अगर प्राइस ने एक बहुत ही शार्प वाला डाउनफॉल दिखाया है तो मुझे इस जगह पे बाय करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा दोस्तों। इनफैक्ट यहाँ पे मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट दे और फिर थोड़ी देर के ही बाद वो ब्रेकआउट नीचे की तरफ मुड़ जाए, जिसे हम कहते हैं फॉल्स ब्रेकआउट। वो एक मेरे लिए बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी होगी शॉर्ट ट्रेड लेने के लिए। तो दोस्तों अब तक हमने देखा फ्लैग पैटर्न को और पैरेलल ट्रेंड लाइन पैटर्न को। दोस्तों आप ये समझ ही गए होंगे ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर बहुत इजी हो जाते हैं जब हम प्राइस के चलते ट्रेंड को पहले से आइडेंटिफाई कर सके। लेकिन अगर प्राइस चौपी है, चौपी मतलब ना ही अप ट्रेंड चल रहा हो और ना ही डाउन ट्रेंड चल रहा हो। अगर आपने मेरी चौपी मार्केट वाली वीडियो देख ली है तो ये बात तो आप समझ ही रहे होंगे। चलो अब कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखते हैं जब प्राइस चौपी होती है और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेंज बाउंड मार्केट। अभी मान लो प्राइस इस रेंज में फंस चुकी है, यहाँ पे ना ही अप ट्रेंड है और ना ही डाउन ट्रेंड। हम क्लियरली देख पा रहे हैं कि जब भी प्राइस इस लेवल पे आ रही है वहाँ पे उसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल रहा है और जिसके बदौलत प्राइस नीचे टर्न ले रही है। और ठीक वैसे ही जब जब प्राइस इस सपोर्ट लाइन पे आ रही है उसे अपसाइड का टर्न मिल रहा है। तो जब भी प्राइस इस रेजिस्टेंस लाइन की तरफ आएगी तो यहाँ पे जब भी प्राइस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके ऊपर जाएगी तो तभी बाय करने से अच्छा मैं यहाँ पे राह देखूंगा, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस पे दोबारा से सेलिंग प्रेशर हावी हो जाए और जिसकी बदौलत प्राइस नीचे के साइड टर्न हो जाए और एग्जैक्टली वहीं पे अपनी शॉर्ट एंट्री ट्रिगर होनी चाहिए और हमारा स्टॉप लॉस होगा इस लेवल के थोड़ा ऊपर। दोस्तों ये जो एंट्री लेवल होती है ना वो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। पैसा अगर हमें मार्केट से बनाना है तो हमें ऐसे ही अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होगा। तो दोस्तों एज अ डे ट्रेडर फॉल्स ब्रेकआउट के बारे में ये था मेरा व्यू पॉइंट। मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप मुझे नीचे कमेंट में बताएं कि आप फॉल्स ब्रेकआउट के विषय पर क्या राय रखते हैं, या तो उससे भी बेस्ट आप मुझे आपके आइडिया सजेशन डाउट्स जो भी हो डायरेक्टली मुझे ईमेल भी कर सकते हो। मेरे ईमेल अभी आपको स्क्रीन पर या तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। दोस्तों मुझे हमेशा ही आपके ईमेल का इंतजार रहता है। तो चलो दोस्तों बातें तो बहुत हुई, अभी जरा हम चलते हैं अपने ट्रेड की एनालिसिस की तरफ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाने ना भूलना। और बोलने की जरूरत तो नहीं है पर अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ताकि वीडियो बनाने के लिए मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। दोस्तों अगर आपने वीडियो यहां तक देख ली है और आप इस चैनल पर बिल्कुल नए भी हो तो ये मैं चाहता हूं कि आप वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले जरा ये वाली दो वीडियोस भी देख लें ताकि बाकी बची हुई वीडियो भी आपको बहुत अच्छे समझ आ जाए। दोस्तों ये जो चार्ट आप देख रहे हो वो है टीवीएस मोटर का 30 मिनट का चार्ट। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे पहले हमें स्टॉक के ट्रेंड का पता होना बहुत जरूरी है और जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि प्राइस उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर काफी समय से है, जो ये स्टॉक के इस टाइम फ्रेम में बुलिश होने का सबसे बड़ा इंडिकेशन है। फिर आगे दूसरा हमें ये देखना होता है कि स्टोकास्टिक की वैल्यू क्या है, जो अपने बाइंग के टाइम पर 20 या तो उसके करीब होनी चाहिए। देखो हमने बस थोड़ा सा इंतजार किया, प्राइस जैसे ही नीचे आई स्टोकास्टिक्स भी नीचे आया, फिर एग्जैक्टली यहाँ से हमें अपने बाकी सपोर्ट्स को भी इकट्ठा करने चालू कर देना है। सपोर्ट मतलब हम देखेंगे कि क्या प्राइस उसके 50 वाले सिंपल मूविंग एवरेज को भी होल्ड कर रही है कि उसे तोड़कर वो नीचे जा रही है। उसके बाद हम यहाँ पे इन कुछ लोस को ज्वाइन कर देंगे तो हम एक लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं जिसे टेक्निकल लैंग्वेज में हम कहते हैं ट्रेंड लाइन। अगर प्राइस ने पहले भी बाउंस लिया है तो चांसेस ज्यादा होते हैं दोस्तों कि इस बार भी हम
हमें वो एक्सपेक्टेड बाउंस मिल जाए। नॉर्मली ये ट्रेंड लाइन अप ट्रेंड वाले स्टॉक में काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। देखो दोस्तों, लॉजिक बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे स्टॉक में बाइंग आती है ना, वैसे वैसे प्राइस उसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर चलना चालू कर देती है। तो अगर आप जब भी कोई स्टॉक बाय करने की सोचो तो ये जरूर जरूर देखना कि यार इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। और अगर आपको आपका स्टॉक डाउन ट्रेंड या तो नो ट्रेंड मतलब चौपी दिखे, तो फिर आप अपने आप से एक सवाल पूछना कि यार अभी प्राइस इसके 100 वाले सिंपल मूविंग एवरेज के नीचे क्यों है। ऑब्वियसली कुछ तो रीजन होगा जिस वजह से प्राइस अभी अप ट्रेंड में नहीं है। तो ऐसे स्टॉक में बाय करने में हमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। फिर वो स्टॉक हमें छोड़ देना है और दूसरे ट्रेंडिंग स्टॉक पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना है। देखो दोस्तों, ट्रेडिंग का मकसद ये नहीं होता है कि आउट ऑफ 10 ट्रेड्स हम सिर्फ एक या दो ही प्रॉफिटेबल ट्रेड्स ले और बाकी 7-8 में हमें लॉसेस हो। बल्कि ट्रेडिंग का सही मकसद ये होता है कि 10 में 7-8 ट्रेड्स हमारे प्रॉफिट में निकले, क्योंकि तभी तो हमारा अकाउंट डे आफ्टर डे हम बढ़ते देखेंगे, राइट? देखो दोस्तों, ट्रेडिंग बहुत ही सिंपल सी चीज होती है और उसे हमें उतना ही सिंपल रखना होता है। अपने ट्रेडिंग से हमें टेंशन, प्रेशर, डर जैसे इमोशंस को बाहर भागा देना होता है। हमें कोई भी स्टॉक को बस रैंडमली चेस नहीं करना है। हमें अच्छे स्टॉक को स्कैन करके उसमें पुलबैक का वेट करना होता है, थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और जैसे ही प्राइस अपने टारगेट की तरफ बढ़ जाए हमें अपने ग्रीड को काबू में करके प्रॉफिट बुक करके ट्रेड से बाहर निकल आना है। और ये है भी उतना ही सिंपल। ये तो आप भी आसानी से कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं, पर रोज थोड़ा टाइम निकाल कर हमें अपने स्टॉक्स को स्टडी करने होंगे। पर अगर आप वो रोज रोज नहीं कर पा रहे हो तो दोस्तों आपके लिए मेरी 100 रुपए वाली एक छोटी सी सर्विस है, आप उसका फायदा उठा सकते हो। इसमें आपको मेरी स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग की वॉच लिस्ट मिल जाएगी और उसके साथ साथ आपको मेरे इंट्राडे के अपडेट्स भी मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों, आज के लिए बस यहीं पे रुक जाता हूँ। मिलते हैं कल मार्केट में ही। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड हैप्पी ट्रेडिंग।